जरा मुझे बता दीजिए कि महाभारत और रामायण का नाम लेके किसने बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया अपनी बॉडी पे चिपका के, किसी ने किसी को भगवान राम और कृष्ण का नाम लेके किसी को मार दिया, बताइए आप मुझे, अभी जवाब दो। दूसरी बात और बहुत अहम बात है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऐसा कौन सा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और ऐसा कौन सा हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान है जिसका सैंक्शंस कमिटी ने बैन लगाया है, जवाब दो, जवाब दो। हिंदू धर्म को मानने वाला एक इंसान नहीं, एक सबूत नहीं, चाहे वो मक्का मस्जिद ब्लास्ट का केस हो, चाहे वो अजमेर शरीफ का केस हो, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, जिसपे आप नहीं मानते देश का कानून मानता है, देश का कानून संविधान सर्वोपरि आप नहीं है। से सवाल किया जाए। मेरा नाम सतीश सिंह है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं दो दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह भाई साहब ने दो दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है, माशाल्लाह उसकी मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं आपका, सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है, ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इजहार होता है, लेकिन ये है क्यों गलत फहमी, जिस तरीके से मीडिया गलत फहमियां फैलाती है हम उसको इग्नोरेंस में अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है समझ लो, टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है, उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है उसे दो लकब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे, कई साल किया, बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे, इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट, हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी वही काम, दो लकब दो टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है, अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है, तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी सेम काम दो लकब, वही आदमी वही काम दो लकब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या, लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है क्या देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई देशभक्त, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ मैं भी समझता हूँ देशभक्त था, हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते,
तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं सीएनएन बीबीसी पे कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है, मेरा जो सवाल था। आता आता मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं। नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर वन कहती थी, उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी, टेररिस्ट नंबर वन। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है, वही आदमी वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमिटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी का पावर है, जो आदमी वो कहता है, लोग उसकी बात को मान लेते हैं इग्नोरेंस के अंदर, अनजानी में। लेकिन कुरान कहता है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 में, वकुल जाल हक वजाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ौका। जब ट्रुथ, जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। ब्रिटिश और अमेरिकन के ऊपर हुकूमत करते थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 18 सदी में, ब्रिटिशर्स कहते थे, मैं लंदन गया था 2 महीने पहले, वापिस से जाऊंगा 2 हफ्ते बाद। वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था पता है 7 जुलाई को, तो लोग आए थे खराब है, मैं भी बोला ठीक है खराब है। तो वहां टोनी ब्लेयर आने वाले थे, वक्त नहीं मिला तो अपने चीफ ऑफ पुलिस को भेजे, बाद में मेयर आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी देश, इस देश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी अमेरिकन गवर्नमेंट पे 18 सदी में, वो जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन को टेररिस्ट नंबर वन कहते थे, टेररिस्ट। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो गॉडफादर है, गुरु है, किसका? जॉर्ज बुश का भी, ठीक है ना, जॉर्ज बुश का गुरु है। वो जो आतंकवादी आप कहते थे उसके शागिर्द के दोस्त भी आप है, क्या बात है? आपका नजरिया क्यों बदल रहा है? आप कहते थे टेररिस्ट चंद सदी पहले, अभी आप उनके दोस्त है। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि क्यों उसको वो लकब मिला। अगर जो 11 सितंबर को हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, आप जो कह रहे ना मुसलमान मुसलमान, उसके ऊपर जवाब तो अभी आ रहा है। ये तो खाली वो स्टार्टर्स बोलते ना, स्टार्टर्स सूप पीते पहले तो जरा बराबर खाना खत्म होता है, मेन मील तो अभी है। मुझे एक शख्स ने पूछा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था और इंग्लैंड के अंदर भी, डॉक्टर जाकिर नायक, डू यू कंसिडर बिन लादेन टू बी अ टेररिस्ट, क्या बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? तो मैंने कहा, भाई मैं बिन लादेन को जानता नहीं हूं, मैं यही नहीं कह सकता हूं वो टेररिस्ट है क्या नहीं, अच्छा है क्या बुरा, मैं ही नहीं जानता हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, कि जब भी कोई बात कोई कहता है पहले तहकीक करो फिर दूसरे तक पहुंचाओ। अगर मैं सीएनएन और बीबीसी की बात मानूं तो मुझे कहने पड़ेगा कि बिन लादेन टेररिस्ट है, लेकिन मैं क्यों मानूं बात उनकी? क्योंकि मैं आदमी हूं जो घूमता हूं मीडिया में, जानता हूं माशाल्लाह, तो मैं कहता हूं ना बिन लादेन मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अब ये मुझे पूछना चाहते हैं टेररिस्ट नंबर वन कौन है, तो ये तो जानता हूं मैं सीएनएन जो अमेरिकन चैनल है, जॉर्ज बुश उसका प्रेसिडेंट है, गर्व से कहता है कि हमने हजारों अफगानिस्तान लोग को बम गिराए, कत्ल किए, इराक में हजारों का कत्ल किया, ठीक है, मान भी लो बहस के तौर पे बिन लादेन ने किया, मान लो, मैं नहीं कहता हूं, मान लो बिन लादेन ने किया कि 11 सितंबर को ट्विन टावर को अटैक किया और 3000 या 5000 लोग मरे। लेकिन अगर 3 या 4000 लोग मरे, 5000 लोग मरे, उसका यह मतलब नहीं होता है कि आप उससे डबल लोग को अफगानिस्तान में मारे एक आदमी की वजह से, कर सकते? अरे बिन लादेन को पकड़ के मारो ना अगर मानना है तो, अगर उसने किया सबूत है तो, सबूत पूछते अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने मरने के सबूत क्या है, वो सबूत देता टोनी ब्लेयर को, है सबूत पूछ रहा अफगानिस्तान कि आप मुझे सबूत दो, सबूत क्या है तो हम उस पर तहकीक करेंगे, सजा देंगे उसको, वो सबूत देता मुशर्रफ को, पूछ रहा है आपका, किधर का इंसाफ है ये, किधर का इंसाफ है? प्लेन भेजते हजार लोग का कत्ल किए,
अफगानिस्तान में, इराक में, मैंने कहा यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यहां भी, अगर टेररिस्ट नंबर वन है तो जॉर्ज बुश है। ट्विन टावर को किसने गिराया? CIA, FBI का क्या बजट है? इन लोग घर से कहते हैं अगर परिंदा भी पेंटागन के ऊपर उड़ेगा तो हम पहचान सकते, एक हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद आके उसमें ठोक देता है, उनको पता ही नहीं चलता है। बहुत से अमेरिकन लोग, मुस्लिम लोग छोड़ो, क्या कहते अमेरिकन लोग, क्रिश्चियन लोग कहते क्या ये इनसाइड जॉब था, अंदर की बात थी ये, अंदर की बात। जिस तरीके से ट्विन टावर गिरा वो प्लेन के जरिए गिर नहीं सकता है। कितने लोग कहते हैं कि ये जॉर्ज बुश ने किया अपने वोट बैंक के लिए। कल मैं कह रहा था ना पॉलिटिशियंस के बारे में, कल की तकरीर सुनी ना आपने, हकीकत लगी क्या ने? क्या होएगा 5,000 लोग को मारो वोट तो मुझे मिलेगा, $1 trillion नुकसान, क्या फर्क पड़ता है? अगर नहीं गिराऊंगा ट्विन टावर को तो मैं थोड़ी इलेक्शन में आऊंगा। क्या करो, 1,000 लोग का कत्ल करो, नुकसान करो करोड़ रुपए का, मैं तो आ गया वापिस सीट पे। ये महीने कह रहा हूं, ये महीने कह रहा हूं, ये अमेरिकन लोग कह रहे तो गलत है, महीने कह रहा हूं कि जॉर्ज बुश ने गिराया। मैं जानता ना, मैंने देखी थोड़ी की, मैं कह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कह रहे। अमेरिकन लोग कहते कुछ लोग के बिन लादेन ने क्या कुछ ने कहा जॉर्ज बुश, लेकिन ये तो मैं जानता हूं कि मैं टीवी पे जो देखा हूं वो खुद के चैनल के ऊपर कि जॉर्ज बुश गर्व से कह रहा 1,000 लोगों को मैंने मारा, इसीलिए मैं जॉर्ज बुश को टेररिस्ट नंबर वन कहता हूं। ये बाबरी मस्जिद में जो हुआ, हिंदुस्तान में, गुजरात में क्या हुआ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करो, बाबरी मस्जिद को कौन जानता था पहले? आप जानते थे, सुने थे बाबरी मस्जिद के बारे में? ये दंगे फसाद के पहले 1985 के पहले सुने थे? नहीं सुना था, मैं भी नहीं सुना था। ये वोट बैंक के लिए झगड़ा फसाद, 1,000 लोग मारे गए गुजरात में जो हुआ, क्या सही हुआ? अगर पुलिस चाहती तो, हमारे हिंदुस्तान पुलिस में माशाल्लाह इतना पावर है कि अगर चाहती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता। बंबई में जो हुआ 1992 में, इफ द पुलिस वॉन्टेड, किसकी जरूरत के बाहर रस्ते पे है? लेकिन वो पॉलिटिशियन की इजाजत है, यहां मत जाओ वहां मत जाओ, यहां हंगामा करो, यहां कर्फ्यू लगाओ वहां मत कर्फ्यू लगाओ, यहां मुझे वोट मिलेगा वहां नहीं मिलेगा, आप समझे ना। तो ज्यादातर चाहे इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, तो पॉलिटिशियन की हरकतों की वजह से, जैसा मैं कल कहा, तो लेबल लग गया अभी मुस्लिम लोग पे टेररिस्ट। अगर आप जानते गुजरात में कितने लोग के मां का अपने आंख के सामने बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाला पड़ोसी है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है।